हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन ये मौसम कुछ ऐसे फल लेकर भी आता है जो अन्य मौसम में नहीं मिलते। गर्मियों के फलों की बात करें तो आम को आप भूल ही नहीं सकते हैं, और तरबूज यानी कि वाटरमेलन तो मिलता ही गर्मियों में है। ये मौसमी फल ना सिर्फ शरीर को ठंडक देते हैं बल्कि आपको तरोताजा भी रखते हैं। हमारी ये हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। बड़े बीमार होने पर अपना ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान बड़ों को ही रखना होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बच्चों को गर्मियों में बीमारियों से दूर रखने के लिए कौन से फल खिलाने चाहिए। नंबर एक, आम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है, और ये केवल गर्मियों में ही मिलता है। आम बच्चों को बेहद पसंद भी आता है। आम को खाने से पहले उसे कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में जरूर रखें। बाजार से खरीदा एकदम गर्म आम कभी भी ना खाएं और ना ही बच्चों को खिलाएं। आप बच्चों को आम काटकर खिला सकती हैं, या फिर उसका शेक बनाकर भी बच्चों को पिला सकती हैं। ये उनकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होगा। नंबर दो, तरबूज। दोस्तों, तरबूज केवल गर्मियों में ही मिलता है। 90% से अधिक पानी वाला ये फल बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तरबूज शरीर में पानी की कमी को दूर करता है और हमारे रक्त को बढ़ाने का भी, यानी कि हमारे खून को बढ़ाने का भी काम करता है। ये बच्चे को अस्थमा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से दूर रखने का भी काम कर रहा है। ये काफी नाजुक होता है, इसलिए इसे 1 साल के बच्चों को आसानी से खिलाया जा सकता है। आप अपने बच्चों को तरबूज खिलाने से पहले उसके बीज को निकाल लें, उसके बाद इसके क्यूब काट कर बच्चों को खिला दें। नंबर तीन, पपीता। दोस्तों, पपीता भी एक ऐसा फल है जो बच्चों के पेट को ठंडा रखता है और इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। पपीते को आप 1 साल से छोटे बच्चों को भी प्यूरी के तौर पर खिला सकते हैं। पपीते का एक फायदा ये भी है कि ये आसानी से बच्चों को पच जाता है। पपीता छोटे बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए काफी उपयोगी होता है, इसलिए आप अपने बच्चे को पपीते का सेवन जरूर कराएं। नंबर चार, केला। दोस्तों, केले को अगर सुपर फूड कहें तो बुरा नहीं होगा। सही मायने में ये एक बेहद ही लाभकारी, हर टेंशन को दूर करने वाला फल है। इसे तो आप 6 महीने के बच्चे को भी प्यूरी बनाकर खिला सकती हैं। केला आंखों की रोशनी के लिए, पाचन तंत्र के लिए, खून बढ़ाने, आयरन की कमी को पूरा करने, हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ ये बच्चों का वजन बढ़ाने में भी मदद करता है। केला इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर होता है, इसलिए आप अपने बच्चे का मोटापा बढ़ाने के लिए भी और कई बीमारियों से दूर रखने के लिए अपने बच्चे को केले का सेवन करा सकते हैं। नंबर पाँच, स्ट्रॉबेरी। दोस्तों, लाल रंग का ये आकर्षक फल बच्चों को काफी पसंद आता है। स्ट्रॉबेरी को विटामिन सी का भंडार माना जाता है। ताजी स्ट्रॉबेरी में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, जो कि ब्लड बनाने का भी काम करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों में खून की कमी होती है, इसलिए आप अपने बच्चों को स्ट्रॉबेरी का सेवन करा के उनकी खून की कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।